आवर चैनल फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक वायरल प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि ये प्रोडक्ट क्लेम करती है कि आपकी डेड स्किन सेल्स जो होती है वो बहुत अच्छे से रिमूव करती है एंड आपकी जो टैनिंग होती है उसको भी इवन आउट करती है आपकी स्किन से, मीन्स आपकी स्किन को इवन आउट टेक्स्चर देती है, इवन आउट स्किन कलर देती है आपको एंड और भी कई टाइप्स के बेनिफिट्स है एंड ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वायरल है। तो प्रोडक्ट के बारे में ए टू जेड देखिएगा, डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, कहीं से स्किप मत कीजिएगा, स्किप करते हो तो वो सही नहीं होती है फ्रेंड्स, उससे क्या होती है इन्फॉर्मेशन आपकी गलत गेन होने लगती है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कर ले एंड बेल को प्रेस कर लीजिएगा नई वीडियोस के लिए फ्रेंड्स, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को भी डेफिनेटली अभी शेयर कर ले एंड आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाती है, परचेस लिंक, तो आप वहाँ चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। फ्रेंड्स, जो आज की प्रोडक्ट है वो है ए एम आर ब्यूटी की टैनिंग डेथ स्किन रिमूवर। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया है इसकी यही क्लेम है और भी कुछ क्लेम है वो आगे वीडियो में आपको मैं बताऊंगी एंड इसकी क्वांटिटी एंड आपको मैं प्राइसिंग की बात करूं तो 100 ml ऑफ द पैकेजिंग के साथ आती है, पंप पैकेजिंग में आपको मिलती है, ये बॉटल की पंप पैकेजिंग में आपको आती है एंड इसकी प्राइसिंग आपको अराउंड 250 के अंडर ही मिल जाएगी, 250 से लिटिल बिट आपको ज्यादा लग सकती है, उससे ज्यादा नहीं लगेगी। ठीक है, आप डायरेक्ट प्राइस चेकआउट कर सकती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाती है वहां देख करके। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है आप किन एज ग्रुप वाले यूज कर सकते हैं, किन स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं एंड किन जेंडर वाले यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फर्स्ट, आप कोई भी स्किन टाइप हो सब यूज कर सकते हैं, लेकिन डू अ पैस्टिस, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट यूज करें तो पैस्टिस डेफिनेटली करें फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किन एज ग्रुप वाले आप यूज कर सकते हो, तो ये फ्रेंड्स आपको 18 के प्लस यूज करनी है, 18 के बिलो नहीं यूज करनी है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं फ्रेंड्स कि आप किन जेंडर वाले यूज कर सकते हैं, तो जेंडर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे जेंडर यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं ये जो प्रोडक्ट है आपको बेनिफिट्स क्या प्रोवाइड करती है। ओके, बेनिफिट्स ही मेन होती है, बेनिफिट्स, यूजेस एंड रिजल्ट्स, ये ज्यादा मेन होती है। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स ये है कि आपकी टैनिंग को रिड्यूस करती है, आपकी जो डेड स्किन सेल्स हो जाती है जिसे हम लोग हिंदी में मैल बोलते हैं, वो जो हो जाती है हमारे स्किन पे, मीन्स जो हमारी जो स्किन कलर होती है वो छुप जाती है गंदगी के चलते, डर्ट के चलते एंड टैनिंग के चलते, तो उस चीज को वो रिड्यूस आउट करती है। साथ में अगर आपको कहीं भी एक्ने स्कार्स हो रही है बॉडी में, डार्क स्पॉट्स हो रही है, इवन आपको फेस में भी हो रही है, तो उसमें भी रिड्यूस करती है, डार्क पैचेस के भी ये प्रॉब्लम को रिड्यूस करती है एंड आपको फेस एकदम क्लियर देगी। ठीक है, इससे ज्यादा और कोई इसमें क्लेम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं ये इसकी यूजेस आपको कैसे करनी है, हम यूज कैसे करनी है। फर्स्ट एंड फर्स्ट फेस की पहली बात कर लेते हैं, तो आप कभी भी यूज कर सकते हो इसे, वीक में 1 से 2 बार या 3 बार भी आप इसे यूज कर सकते हो, अच्छी क्वांटिटी में आपको लेनी है, अपने कहीं भी आप ले सकते हो, चिक में, फोरहेड में, जहीं भी आपको लगानी है या पूरी फेस में भी लगानी है, तो एक एरिया बांट ले, पहले एक एरिया में कर ले फिर देन दूसरे एरिया में, मीन्स आप एक चिक में कर ली तो फिर देन दूसरे चिक पे जाए। ठीक है, तो अच्छी क्वांटिटी लेनी है, आपको अच्छे से मसाज करनी है, एकदम लाइटली हाथों से मसाज करनी है, कि आपको रब पूरी जोर जोर से नहीं करनी, एकदम लाइटली हाथों से मसाज करनी है। तो फिर इसकी जो जेल है, आप जेल भी बोल सकते हो, ये पूरी एक जेल की तरह नहीं है, इसकी थोड़ी सी टेक्सचर बहुत ज्यादा अलग ही है, लाइक जेल भी नहीं है और एक क्रीम की तरह भी नहीं है ये। ठीक है, इसकी टेक्सचर बहुत अलग है, आप जैसे जैसे करोगे आपको दिखेगी थोड़ी थोड़ी मैल इसमें से निकल रही है, जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हो, बहुत अच्छे से ये मैल को निकालती है, ये इसकी बहुत अच्छी क्लेम है एंड वायरल बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स, इसमें अभी तो बहुत ज्यादा वायरल चल रही है एंड बहुत कोई इसको खरीदने के लिए भी सोच रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किया जाए, जो आप बाय कर सकते हो अच्छे से या आप देख सकते हो कि क्या प्रोडक्ट है, क्या बेनिफिट्स दे रही है। फेस पे बात कर लिए, सेम एज अ बॉडी की भी बात कर लेते हैं, तो बॉडी में भी आपको सेम तरीके से यूज करनी है, आप वही 2 से 3 या 4 बार भी यूज कर सकते हो, बाथिंग टाइम यूज कर सकते हो या जब आपको नीड है तब यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप बॉडी को जो है वो अच्छे से क्लीन कर ले, सोप से, सावर जेल होती है उससे आप कर सकते हो या जिससे भी आपको कंफर्टेबल है, करने के बाद उसके बाद आप ये लगाएं एंड नेक्स्ट आपको उसमें फेस में भी यही करनी है, सेम प्रोसेस, आपको पहले फेस को क्लीन कर लेनी है फिर देन यूज करनी है। जो भी सब चीजें यूज करें उसके बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं, स्किन पे कभी भी आप बात लेते हो तो मॉइस्चराइजर डेफिनेटली लगानी चाहिए फ्रेंड्स, उससे क्या होती है हमारी जो स्किन है वो मॉइस्चराइजर की इसमें कमी हो जाती है हम लोग को बात लेने के बाद, तो अगर उस चीज को आप नीड को पूरा नहीं करोगे उसी की वजह से स्किन पूरी एजिंग स्टार्ट हो जाती है एंड ड्राइनेस के चलते ही
जाती है। इसमें आपको साइड इफेक्ट्स डिफरेंटली कुछ नहीं मिलेगी, केमिकल्स भी इसमें आपको नहीं मिलती है फ्रेंड्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको ये कि आप सेंसिटिव स्किन है तो एक बार पैसे जरूर कर ले फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं कि आपको इसमें इंग्रेडिएंट क्या मिलती है, क्या इसमें बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले आपको इसमें फर्स्ट एंड फर्स्ट लिकोराइज मिलती है। तो लिकोराइज हमारी टैनिंग को रिड्यूस करने में, डार्क पैचेस को रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होती है। विटामिन सी के साथ साथ आपको इसमें रेटिनॉल मिलती है एंड आपको अल्फा आर्बुटिन मिलती है। तो इसमें जो विटामिन सी है उसके बेनिफिट्स आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो कोई भी हम मेरी वीडियो जाकर के देख सकते हो। आप विटामिन सी की सीरम की क्रीम की उसमें आपको मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हूँ कि कैसे आपको विटामिन सी यूज में आती है और क्या बेनिफिट्स देती है। रेटिनॉल की बात करें तो ये एक एजिंग सॉल्यूशन के साथ आती है, मीन्स आपके एजिंग को रिड्यूस करती है। अल्फा आर्बुटिन की बात करूं तो मैं ये टैनिंग की डेड स्किन सेल्स आपको रिड्यूस करके देती है, क्लियर स्किन प्रोवाइड करती है। एंड लास्ट वन, इसमें आपको एलोवेरा एंड द सैंडलवुड मिल जाती है। तो एलोवेरा की आप तो गुडनेस जानते हो, हर एक चीज पे इसे यूज की जाती है। अगर कोई भी आपको स्किन पे प्रॉब्लम है एलोवेरा यूज कर सकते हो, टैनिंग आपको हो रही है तो एलोवेरा यूज कर सकते हो, सारी चीजों में एलोवेरा यूज होती है। सैंडलवुड की बात करूं तो मैं ये आपकी स्किन पे डार्क पैचेस, स्किन को क्लियर आउट, डर्ट से क्लीन करके आपको पोर्स को क्लीन करके प्रोवाइड करती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी बात कर लेते हैं रिजल्ट की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है अभी के डे में। प्रोडक्ट बहुत ज्यादा वायरल है फ्रेंड्स, तो ये जो रिजल्ट देती है, रिजल्ट तो आपको मिलेगी, डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखेगी कि आपकी मैल छूट रही है, लेकिन वो मैल छूटती नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें एक ऐसी केमिकल्स मिलाई गई है, मैं नेम मुझे नहीं पता है, उसमें मेंशन ही नहीं है तो पता कैसे रहेगी। तो इसमें कोई भी ऐसी केमिकल्स मिलाई है कि जैसे जैसे आप लगाते हो तो ये केमिकल ही एक दूसरे के साथ मिक्स होकर के वो एक मैल के फॉर्म में ले लेती है, या आप बोल सकते हो एक पार्टिकल के फॉर्म में ले लेती है। आपको विजिबली वो व्हाइट व्हाइट कलर की दिखने लगेगी और हो सकती है कि उस टाइम थोड़ी मोड़ी आपको डर्ट निकले, क्योंकि देखिए कोई भी चीज अगर पार्टिकल के फॉर्म में ले रही है तो स्किन को तो रब जरूर करेगी, एंड रब करेगी तो हो सकती है लिटिल बिट आपको डर्ट निकालेगी। लेकिन अगर आपकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि आपको पूरी डेथ स्किन सेल्स रिमूव कर देगी, डर्ट रिमूव कर देगी, टैनिंग रिमूव कर देगी, तो ये होने वाली नहीं है। इससे अच्छा आप DIY करें या आप कोई प्रोडक्ट ले लें अच्छे ब्रांड की, जिससे आपकी डर्ट की सारी रिमूव हो जाए। एंड स्किन वाइटनिंग सूप इसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने एक ला ऑर्गेनो फेस सोप यूज की थी अपने बॉडी पे भी, तो डर्ट, टैनिंग, स्किन वाइटनिंग तीनों चीज मुझे मिली थी। एंड मैं 1 month यूज की थी एंड 1 month में बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिली थी मुझे। तो आप वो भी यूज कर सकते हो प्रोडक्ट की, उसके भी लिंक मैं आपको दे दूंगी। ला ऑर्गेनो की स्किन वाइटनिंग सोप है, बहुत अमेजिंग सोप है, उसके रिव्यू भी है चैनल पे, वो भी जाकर के आप देख सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इसे प्रोडक्ट से बचे फ्रेंड्स, ठीक है। कोई भी अगर आपको प्रोडक्ट के रिव्यू भी चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट करें नीचे, तभी मैं जान पाऊंगी कि आपको किस बारे में इंटरेस्टेड है ज्यादा, ठीक है। तो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस।